बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ASF के पास पेपर, उनके सॉल्यूशन। इससे पहले जो सिलेबस था, टेस्ट कितने टाइम के लिए था, कितने MCQs थे, तो 2022 में जो टेस्ट हुआ है वो पेपर भी आपसे शेयर करेंगे, साल पेपर भी, और आपको आगे चल के बताएंगे, पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बताता चलूँ कि ये 1 घंटे का पेपर था और 50 MCQs थे इसमें, जो 2022 में पेपर हुए हैं। और इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर और मैथ और IQ का पोर्शन शामिल था। और इसमें इंग्लिश में भी बताता चलूँ कि इसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें थी। और आगे चल के हम देखते हैं, पेपर भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था, आया था लास्ट ईयर 2022 में, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। तो उसमें पूछा गया था ब्यूटीफुल क्या है, तो ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी। तो आफ्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये क्वेश्चन है, आफ्टर लंच लेट गो आउट फॉर अ कॉफी, तो आफ्टर इसमें है प्रेपोजिशन। ये एक पेपर है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ऊपर, कॉर्पोरल BPS 7 का, और टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं 50 थे। 1 घंटे का पेपर था और इसमें भी C3 में हमें चेक करना था। सबसे पहले है जी सिनोनिम एंटोनिम्स। सिनोनिम है एबेकस। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, एबेकस जो है ये दुनिया का पहला जो कैलकुलेटर था या कंप्यूटर था वो एबेकस था। तो एबेकस का मतलब है वो एक ऐसी मशीन थी जो बेकस ने जात की थी, जो सिर्फ ऐड करती थी, जमा करती थी। तो अबेकस का सिनोनिम भी है एडिंग डिवाइस। इसके बाद है जी एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का सिनोनिम है एंटीसिपेट। नेक्स्ट है जी चूज द अपरप्टेड एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है मुतजाद, और सिनोनिम का मुतरादिफ, हम में नहीं, और एंटोनिम का मुतजाद उलट। तो ब्राइट, चमकदार, तो इसका अपोजिट होगा जी डार्क। नेक्स्ट है इमिटेट। इमिटेट का मतलब है कॉपी करना या नकल उतारना। तो नकल का यानी इसका अपोजिट होगा ओरिजिनेट। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक सी, कुछ इस तरह, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड टू डैश इज स्पीच। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड टू लिसन इज स्पीच। लिसन ऑप्शन होगी। द थ्योरी हैज बीन अबंडेंड, यानी थ्योरी खत्म कर दी गई, डैश मॉडर्न डिस्कवरीज, ड्यू टू मॉडर्न डिस्कवरीज। नेक्स्ट है शी नेवर कम्स लेट, द वर्ड इन ब्रैकेट इज, तो नेवर जो है ये होगा एडजेक्टिव। फाइंड आउट द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ ब्लैक, तो कंपेरेटिव डिग्री जो होगी ब्लैक की वो हो जाएगा ब्लैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी चूज द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो रेफर्ड, REFERRED, इसमें करेक्ट स्पेलिंग है, ये पहले ए ऑप्शन। नेक्स्ट था जी जनरल नॉलेज के पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चन थे, इन डैश कायदे आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस कब ज्वाइन की थी, 1906 में कायदे आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। द लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान इज शेयर्ड विद अफगानिस्तान। वट इज ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक का ओल्ड नेम जो था वो खम्पैलपुर था। डैश इज प्रेजिडेंट, डैश इज द प्रिजाइडिंग पर्सन ऑफ सेनेट, जो चेयरमैन सेनेट होता है, ए ऑप्शन इसमें है जी, इज द प्रेजिडेंट पर्सन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट। नेक्स्ट है करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज, तो ये हमारा है 58 to 62% अराउंड, तो ये 62%। जिनाह गांधी टॉक्स हेल्ड एट कायदे आजम हाउस इन 1944। नेक्स्ट है हीर रांझा वाज रिटन बाय, तो हीर रांझा जो है बुल्ले शाह ने लिखी थी, इसमें ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है अब्दुल सलाम वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी अवार्डेड विद नोबल प्राइज जॉइंटली विद, ये इसका ये पहले ऑप्शन है शेल्डन ली ग्लासगो, इसके साथ मुश्तरका इनको नोबल प्राइज दिया गया था। अब्दुल सलाम को 1979 में फिजिक्स में दिया गया था, तो साथ इनके जो थे वो शेल्डन ली ग्लासगो थे। देर आर डैश रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, तो 10 सीट्स हैं माइनॉरिटीज की कौमी असम्बली पाकिस्तान में, तो नन ऑफ दीज। और इसी तरह ख्वातीन की पूछा जाए तो 50 नशस्तें हैं रिजर्व सीट्स फॉर वोमेन,
नेक्स्ट योम तकबीर इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो योम तकबीर है 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 8वीं धमाके किए थे, पाकिस्तान 8वीं कुवत बना था, तो योम तकबीर 28 मई को मनाई जाती है। विच कंट्री सप्लाई एडिबल ऑयल टू पाकिस्तान? मलाइशिया। नेक्स्ट है इंडी नॉक्ड ऑन द डोर बट नो बडी आंसर्ड, तो बट किया है, बट जो है हमारे पास कंजंक्शन। नेक्स्ट है व्हेन वाज सिमला डेपुटेशन टुक प्लेस, सिमला डेपुटेशन कब हुई थी? तो 1906 में। और एक और चीज़ बता देते हैं जो 1906 में हुई थी, मुस्लिम लीग भी 1906 में बनी थी। ये क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग डिजाइन बाय अमीरुद्दीन किदवाई, मंगलाडेम इज लोकेटेड ऑन डैश रिवर, मंगलाडेम जो है वो दरियाए जेलम पे है। इसे तरबेला का पूछा जाए तो तरबेला दरियाए सिंध में है। ग्वादर पोर्ट किस सूबे में है जी? बलोचिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? इंडस, दरियाए सिंध। विच वन ऑफ दीज इज लार्जेस्ट प्रोवेंस ऑफ एरिया, तो बलूचिस्तान जो है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, तकरीबन 43-44% पाकिस्तान की कुल रकबे के बराबर बलूचिस्तान है। हु आर द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान? इस्कंदर मिर्जा। हु आर द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान? विन स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड 1 जुलाई 1947। इंटोनम ऑफ कैपिटुलेट, तो इसका इंटोनम होता है कंकर, कंकर पता करना। हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर अंडर ASF? 42। तमाम दोस्तों ने दरख्वास्त है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको रिसीव हो सके। इसी वीडियो के लिंक में मैं और चैनल लिंक भी शेयर कर दूंगा जिसमें पहले हमने प्रीवियस पास पेपर साफ शेयर किए थे। ASF इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीजन, ये पेपर है जी, आप देख सकते हैं। आईएएस मिलिट्री वार्ड ऑफ पाकिस्तान निशान हैदर शाह जो रिसालू इज रिटन बाय शाह अब्दुल लतीफ पिटाई, लार्जेस्ट इन तरबेला। APPA डिवीजन ऑफ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, बट इज मेंट बाय एडिटोरियल नोट, एडिटर नोट्स, प्रेजेंट डी जी ऑफ ASF, ये पुराना पेपर है जो आजकल जो है मेजर जनरल अदनान आसिफ जशाद। और पाकिस्तानी वोमेन गार्ड नोबल प्राइज, मलाला यूसुफ जई।